दोस्तों, अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर और विराट कोहली को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप के 14वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मैच में भी दिखा जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। पहले कंगारू ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पलटवार करके श्रीलंकाई बल्लेबाजों को तोड़ दी कमर, और जिसके बाद जवाब में लंकाई गेंदबाजों ने भी अपनी लाजवाब गेंदबाजी और फिरकी के दम पर किया ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर का सफाया। आखिर अंत में किसने मारी इस मैच में बाजी, कैसे इस मुकाबले में बाल बाल होते बचा एक बहुत बड़ा अपसेट, इस मैच की पूरी हाइलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और डेविड वार्नर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का 14वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कानन स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने पाथुम निशंका के साथ कुशल परेरा मैदान में उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। कंगारू बल्लेबाजों को जमकर प्रहार करने लगे और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। इसके बावजूद इन दोनों बल्लेबाजों का रुकने का नाम नहीं लिया बल्ला और अपनी टीम को पावर प्ले के 10 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। आज ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, मानो इन दोनों बल्लेबाजों के सर पर खून सवार हो गया हो, वह कंगारू गेंदबाजों की शामत आ गई हो। ये दोनों बल्लेबाज आज देखते देखते अपनी टीम के लिए शतक की साझेदारी पूरी कर ली। इतना ही नहीं, दोनों ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। विकेट की तलाश में ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंग्स हर गेंदबाज से ओवर करा रहे थे। उन्हें विकेट की तलाश थी और अचानक मैच का पूरा रुख बदल गया। कप्तान पैट कमिंग्स खुद गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर निशंका को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम को पहला झटका दिलवा दिया। इसी के साथ लंका टीम का पहला झटका 125 रनों पर लग गया, मगर कुशल परेरा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अचानक उन्होंने एक बार फिर से पैट कमिंग्स की गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे और श्रीलंका टीम को 157 रनों पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद तो मानो लंका के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। एक के बाद एक लंका के कई बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और 8 में 3 विकेट तक कोई भी श्रीलंका का बल्लेबाज 30 रनों तक नहीं बना पाया और लंका की पूरी टीम केवल 200 रनों पर 43.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। टीम के लिए खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एडम चंपा ने 8 ओवर में 47 रन देकर खूंखार बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं कप्तान पैट कमिंग्स और मिचेल स्टार्क को भी 2-2 विकेट अपने नाम किया। श्रीलंका की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को यह इतना हासिल करना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग करने डेविड वार्नर के साथ मैदान पर मिचेल मार्श उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। पहले ही ओवर में लायरी कुमार को 15 रन ठोक दिए डेविड वार्नर ने। इस ओवर में खतरनाक छक्का भी जड़ा, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आंखें फटी की फटी रह गई। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में रन आगे बढ़ा रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 24 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन चौथे ओवर टीम के लिए मधुशंका फेंकने आया और अपने ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर को LBW आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वार्नर 6 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौटकर ऑस्ट्रेलिया टीम को 24 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया और अब टीम के लिए पारी को आगे बढ़ाने स्टीव स्मिथ मैदान पर आ गए। मगर मधुशंका की करिश्माई गेंदबाजी के आगे स्मिथ भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ भी LBW आउट होकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2 बड़े झटके लग गए, मानो ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मातम फैल गया हो। और अब मिचेल मार्श का साथ देने मैदान पर मानस लाबुशा ने आ गए, लेकिन मिचेल मार्श अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरता जा रहा था और वो अपने गेंद से चौका बरसा रहे थे, बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, और देखते ही देखते उन्होंने टीम के लिए अर्धशतक लगा दिया। लाबुशाने के साथ मिलकर 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन श्रीलंकाई कप्तान विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद महेश तीक्ष्णा को चमा दी और उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को रन आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया टीम की कमर तोड़ दी। मार्श 51 गेंदों पर 52 रन के चौके की मदद से बनाकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 15 ओवर में 81 रनों पर तीसरा झटका लग गया। और अब मैदान पर लाबुशाने का साथ देने के लिए जोश इंग्लिस आ गए। दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 26 ओवर में 145 रनों तक पहुंचा दिया और जीत की तरफ आगे बढ़ने लगे। वहीं जोश इंग्लिस ने भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए केवल 46 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक जोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी और ये दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने जीत को ऑस्ट्रेलिया के कदमों पर ला दिया, लेकिन तभी एक बार फिर से श्रीलंका मुकाबले में वापसी करती है। दुलशान मधुशंकर ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को मानस लाबुशाने के रूप में सबसे बड़ा झटका दिया। ये बल्लेबाज 60 गेंदों पर कछुए की रफ्तार से 40 रन बनाकर वापस लौटा। उनके आउट होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल मैदान पे आए। लंका की जीत की उम्मीद जिंदा हो चुकी थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ऐसा तूफान लाए जिसके आगे श्रीलंका सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए इस खिलाड़ी ने 200 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से मैदान में तड़का मचा दिया और एक के बाद एक 4 खतरनाक चौके, 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 21 गेंद पर 31 रन ठोककर उन्होंने मैच में ऑस्ट्रेलिया को एक कभी न भूलने वाली जीत की तरफ बढ़ा दिया। इस बीच जोश इंग्लिश भी 59 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैक्सवेल ने रुकने का नाम नहीं लिया। उनके साथ मिला मार्कस स्टोनिस का, उन्होंने भी 10 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 20 रन बनाकर एक बेहतरीन छक्के की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को यादगार जीत दिलाई और इसी के साथ उन्होंने अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को पंख लगा दिया और पहली जीत का खाता खोलकर सभी टीमों को एक बड़ा झटका दिया।
देखा। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया में किया सबसे बड़ा बदलाव। ऐसे खिलाड़ी को दिया टीम में मौका, अकेले दम पर ही बना सकता है भारत को विश्व चैंपियन। तो आखिर कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के रियल हीरो को ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर किस दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी को टीम में किया शामिल, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके आ जाने से क्यों टीम इंडिया विश्व कप की सबसे मजबूत टीम बन गई है, आखिर कौन है वो सितारा, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में भारत की पूरी प्लेइंग 11 के साथ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत विश्व कप 2023 का खूब डंका विश्व में बज रहा है। अपने तीनों मुकाबलों में शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर मौजूद है और अपने कमाल के प्रदर्शन से सभी टीमों को हैरान कर दिया है, बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। भारत में पहले ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान को करारी धूल चटाई। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया और भारत इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत इस जीत के साथ विश्व कप में खिताब की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाने वाला है। ये मुकाबला भी बेहद रोमांचक देखने को मिलेगा। दोनों टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हैं और बांग्लादेश में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा को बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होगा। इन दोनों टीमों के बीच भी विश्व कप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल विश्व कप में 4 मुकाबले खेले गए, जहां टीम इंडिया ने 3 बार जीत दर्ज की है, वहीं बांग्लादेश को केवल 1 बार जीत मिली है। ये रिकॉर्ड देखकर तो साफ नजर आ रहा है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन ये टीम कभी भी चमत्कार कर सकती है, इसलिए बिल्कुल भी हमें बांग्लादेश को कमजोर नहीं आंकना होगा। बांग्लादेश के पास भी एक से एक खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है। विश्व कप में बांग्लादेश ने अब तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 1 मुकाबला जीता है, बाकी 2 गंवा दिए हैं और अब भारत के साथ 2-2 हाथ करने के लिए मैदान पर उतरेगी। वहीं भारतीय टीम इस मैच में शानदार जीत दर्ज कर विश्व कप के खिताब की ओर आगे बढ़ना चाहेगी, इसीलिए दोनों टीमों के बीच जोरदार कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले एक सबसे बड़ा ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर विश्व कप के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सबसे अधिक भरोसा जताकर टीम में शामिल कर लिया है और अब नई प्लेइंग 11 बना ली है। तो चलिए हम आपको बताते हैं रोहित शर्मा ने किस तरीके से प्लेइंग 11 को तैयार किया। तो दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने साथ ही ओपनिंग के साथ शुभमन गिल को चुना है। शुभमन गिल का बल्ला जबरदस्त तरीके से दहाड़ रहा है और वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। उन्होंने एशिया कप में शानदार खेल दिखाया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन विश्व कप के 2 मुकाबले डेंगू हो जाने के कारण वो नहीं खेल पाए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार वापसी की और ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके, लेकिन खतरनाक अंदाज में पारी को शुरुआत दी, जिसके कारण एक बार फिर रोहित शर्मा ने गिल को ही टीम में मौका दिया है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने नंबर 3 पर टीम के बैकबोन खिलाड़ी किंग कोहली को रखा है। रोहित टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, उनके अंदर मैच का रुख और गेंदबाजों को तहस नहस करना बखूबी आता है, इसीलिए रोहित ने उन्हें नंबर 3 पर फिक्स कर दिया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने नंबर 4 के लिए सबसे बड़ा बदलाव कर श्रेयस अय्यर की जगह पर सबसे ज्यादा भरोसा जताकर सूर्य कुमार यादव को टीम में मौका दिया है। श्रेयस अय्यर पिछले मुकाबले यानी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को यादगार जीत दिलाई थी, लेकिन रोहित ने उनसे ज्यादा सूर्य पर भरोसा जताया और उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टीम में शामिल किया। और किसी को पता है कि सूर्य कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, वो गेंदबाजों की धजिया उड़ाना बेहद अच्छे से जानते हैं, इसीलिए रोहित ने सबसे ज्यादा उन पर भरोसा जताया है। वहीं नंबर 5 पर रोहित शर्मा ने केएल राहुल पर टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी। केएल राहुल इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया था, इसीलिए रोहित शर्मा ने उन पर सबसे अधिक भरोसा जताया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा को टीम में रखा है। ये दोनों खिलाड़ी गेंद के साथ साथ बल्ले से भी जबरदस्त तबाही मचाते हैं, इसीलिए रोहित ने इन दोनों को ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में कप्तान ने रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पर बड़ी कमान संभालने को दी और इन दोनों की जोड़ी हर बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ये दोनों बेहद ही शानदार फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के कंधों पर अहम जिम्मेदारी दी है। ये तीनों गेंदबाज मिलकर बांग्लादेश को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर अपने बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं, अंतिम ओवरों में मैच का रुख बदलना उन्हें बखूबी जानते हैं, इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा ने केवल इस प्लेइंग 11 में एक बड़े बदलाव कर टीम को तैयार किया और
इस प्लेइंग 11 को देखकर बांग्लादेश के भी पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। उनके खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव की वापसी से दहशत में आ गए हैं। तो दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर की जगह पर सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में जगह देकर सभी को हैरान कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप में इंडिया बांग्लादेश के महामुकाबले से पहले बांग्लादेशी फैंस ने एक बार फिर बदसलूकी की सारी हदों को पार कर दिया, जहां भारतीय खिलाड़ियों रोहित कोहली के आधे मुड़े हुए सिर वाली तस्वीरें पोस्ट करने के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी के कटे सिर वाली तस्वीर शेयर कर न केवल उन्होंने टीम इंडिया और पूरे भारत के देश का अपमान किया, बल्कि जेंटलमैन गेम की धज्जियां उड़ाते हुए भारत की सहन शक्ति की परीक्षा ली। तो आखिर कैसे बांग्लादेश का असली चेहरा एक बार फिर आया पूरी दुनिया के सामने? उनके फैंस ने कैसे टीम इंडिया की करी बेइज्जती? उस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, रोहित और विराट में कौन सबसे महान कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप के रोमांच ने सच में अपनी सभी हदों को पार कर दिया है। जहां विश्व कप कांटे का हो चला है, अफगानिस्तान जैसी टीमें भी अब इंग्लैंड को हरा रही हैं, तो टीम इंडिया के जीत के रथ को रोक पाना किसी के बस की बात तो अब तक नहीं हुई है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब ये कारवां बढ़ चला है पुणे की तरफ, जहां महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 19 अक्टूबर को इंडिया और बांग्लादेश की भिड़ंत होने वाली है, जिसके लिए हर कोई बेकरार है। लेकिन बांग्लादेश दोबारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। जहां उनसे एक मुकाबला जीता नहीं जा रहा है, तो वहीं वो अब उनके फैंस तो बदसलूकी करते हुए इंसानियत को ही भूल बैठे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई ऐसी घटना हुई हो, लेकिन अब आतंकवादियों जैसा रूप दिखाते हुए कई बांग्लादेशी फैंस ने ऐसी शर्मनाक हरकतों को अंजाम दिया है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो टीम इंडिया को कई दफा मुसीबतों में डालते हैं। लेकिन अब इंडिया बांग्लादेश के महामुकाबले से पहले बांग्लादेशी फैंस ने एक तस्वीर शेयर की। ये वही तस्वीर है जो 2016 के वक्त भी चर्चा में थी। इसमें मुस्तफिजुर अपने हाथों में रेजर लिए हुए खड़े दिखाई देते हैं, तो वहीं उनके सामने रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और शिखर धवन तक टीम इंडिया के कई खिलाड़ी हैं, जिनके सिर आधे मुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर देखकर तो हर हिंदुस्तानी का दिल दुखा। जहां कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया, तो पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन असली हद तो तब पार होने वाली थी जहां उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी तक को नहीं छोड़ा। जी हां दोस्तों, एक और तस्वीर उनकी तरफ से शेयर की गई, जिसमें बांग्लादेश के खूंखार गेंदबाज तस्कीन अहमद के हाथों में धोनी का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। मतलब कि इससे शर्मनाक हरकत और क्या हो सकती है। इतने महान खिलाड़ी की फोटोशॉप करके इस तरीके से तस्वीर बनाना बांग्लादेश को ही भारी पड़ा। जहां अब उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा फूट पड़ा है, तो वहीं कोई भी उनसे खुश नहीं है। पूरे क्रिकेट जगत में धोनी की ये तस्वीर देखकर बवाल मचा हुआ है। आखिर ये कट्टर सोच किस तरीके से खेल जगत में पनपने दी जा सकती है? इसको लेकर भयंकर विवाद भी देखने को मिल रहे हैं, और भारतीय फैंस अपने खिलाड़ियों के लिए इंसाफ की मांग किए जा रहे हैं। जहां ये विवाद इतनी जल्दी तो थमने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाकर अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। और खेल जगत से जुड़ी नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।